एक ही तरीके का हलवा खा खा कर या बना बना कर आप बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सूजी हलवा की रेसिपी लाई हूँ। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आने वाली तो है। चलिए रेसिपी को देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। हम यहाँ 5 कप जितना पानी ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम 5 कप पानी में 2.5 कप चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हमने तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी के अच्छे से घुलने तक हम इसे पकाएंगे। कुछ केसर के धागे हम यहाँ डाल रहे हैं, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देन इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे हलवा का कलर दुकान जैसा आता अच्छे से है। इसे मिला देते हैं। फिर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। लास्ट में 3 से 4 बूंद केवरा वाटर डालेंगे। अगर आपको इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है तो आप ना एक डालें। बार अच्छे से मिला देंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसे अभी साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट एक पैन में 250 ग्राम जितना सूजी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता है। सूजी को आप अगर अच्छे से भूनते हैं तो टेस्ट भी इसका बहुत ही बेहतर आता है। देखिए 7 से 8 मिनट लगे हैं, सूजी का कलर चेंज हो गया है और इसे हम इस स्टेज तक ही भुनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर से इसे हमें घी के साथ भुनना है। फिर से वही पैन में हम 2 से 3 चम्मच भर के घी ऐड करेंगे। पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं ये बारीक कटे हुए सूखा नारियल, थोड़े से काजू, किशमिश और ये गए बारीक चॉप किए हुए बादाम। लो फ्लेम पे इन ड्राई फ्रूट्स को हम बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है। ये अच्छे से भून गए हैं, इसे अब निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद उसी घी में हम रोस्ट करे हुए सूजी को डाल देते हैं। फिर से सूजी को घी के साथ भूनेंगे जब तक इसका कलर और डार्क ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने 5 से 6 मिनट तक भुना है और ये इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखिए। अब इसमें हम तैयार किया हुआ सिरप ऐड करेंगे। पूरे सिरप को हम एक बार में ही नहीं डालेंगे, पहले आधा सिरप यहाँ मैंने ऐड किया, बचा हुआ हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से इसे चलाते जाएंगे। चलाते हुए देखिए सूजी सारा पानी सोख लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए शुगर सिरप को डाल देंगे। फिर से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। देखिए फिर से सूजी जो है सारा पानी सोख कर लिया है। अब इस टाइम पे हम ग्रेट किया हुआ खोया या मावा डालेंगे और साथ में फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे और जाएगा इसमें 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हम फिर से 1 चम्मच घी ऊपर से डाल देते हैं और ये बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को हम अब बंद कर देंगे। सूजी को आपने थोड़ा लूज ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने पर थोड़ा और हार्ड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि मेरे वीडियोस अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए।